नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जब से धारा 370 को हटाने की बात चल रही थी, तब महबूबा जी ने कहा था, किसी ने धारा 370 को हाथ लगाया तो खून की नदियां बहेंगी। बात बात पर रक्तपात की बात करने वाले इस नागिन से एक मच्छर तक नहीं मरा। 370 को हटाकर मोदी ने इस नागिन के जहरीले दांत को तोड़कर फेंक दिए। अब ये नागिन सिर्फ फुफकार मार सकती है, किसी का शिकार नहीं कर सकती। घाटी के इस नागिन को पहले भी पिंजरे में इसलिए बंद कर दिया गया ताकि घाटी में शांति रहे। जब इसे निकाला गया तो फिर से फुफकारने लगी। महबूबा की ताकत और ईमानदारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सभी विपक्षी दलों के साथ बैठकर मीटिंग का दौर चल रहा है। गलियों में चुगलखोर आंटियों की तरह बकैती हो रही है। ऐसी ही बकैती करते हुए महबूबा जी ने कह दिया कि वो देश का झंडा नहीं उठाएंगी। जिस झंडे के सम्मान के लिए देश बलिदान देने को तैयार है, वो झंडा इस नागिन को पसंद नहीं। अच्छा है, मत उठाइए। देशद्रोहियों के हाथ में वैसे भी तिरंगा अच्छा नहीं लगता। आप अपने मुंह से इसका नाम भी ना ले तो अच्छा होगा। वैसे खून की नदियां बहाने वाली ये नागिन फिर से बिल में छुप गई है। झंडे वाले बयान के बाद से घाटी में फिर गर्माहट है। इस बयान के बाद कश्मीर की जनता भी महबूबा के विरोध में उतर आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तिरंगा हमारे दिल में बसता है, यह हमें जान से भी प्यारा है। उन्होंने महबूबा के कार्यालय पर जाकर तिरंगा फहराया और दिखा दिया कि कश्मीर की कौम अब अमन और शांति की राह पर चलना चाहती है, वो दंगों की आग में जलने वाली नहीं। और अब बीजेपी ने महबूबा के विरोध में श्रीनगर से कुपवाड़ा तक तिरंगा रैली निकाली। श्रीनगर के लाल चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराने की कोशिश की। इस दौरान 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बीजेपी नेताओं ने महबूबा को देशद्रोही कहते हुए कहा कि धरती की कोई ताकत वो झंडा फिर से नहीं फहरा सकती और अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। महबूबा के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीडीपी कार्यालय पर ही झंडा फहरा दिया। ये वीडियो देखिए, सभी के हाथ में तिरंगा झंडा है। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय की छत पर चढ़कर तिरंगा फहरा दिया। ये तस्वीर जताती है कि देश में सबसे ऊपर तिरंगा झंडा ही है, इसके बाद ही कोई और झंडा। लेकिन महबूबा और अब्दुल्ला जैसे नागिन को ये बात कहां समझ में आने वाली है। वो तो तिरंगे के डंडे को पकड़ने के लायक भी नहीं। जिनको घाटी में बारूद की खुशबू पसंद हो, उन्हें गुलाब महकते हुए अच्छे नहीं लगते। जिनके कानों को गोलियों की आवाज़ सुनना पसंद हो, उन्हें घाटी में देशभक्ति गीत कैसे पसंद आ सकते हैं। बस घटिया बयानबाजी करके वो जनता को बरगला रही है। खैर, पीडीपी के कार्यालय पर तिरंगा लहराया गया, लेकिन मुफ्ती जी का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। लगता है कि किसी बिल में जा छुपी है। देख लेना, बारिश होती है तो सांप भी बिल छोड़कर भागता है। ऐसे समय पर कोई सांप को शरण नहीं देता, डंडे मारकर भगा देता है। ऐसे नागिनों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज के साथ।